प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अपने विकास कार्यों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते 22 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा बागली विधानसभा में प्रवेश करेगी। इस दौरान बागली विधानसभा के ग्राम गागर खेड़ी से यात्रा का प्रवेश होगा, जो कि चापड़ा होते हुए आगे की ओर जाएगी। इस दौरान बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। उसी की तैयारी को लेकर बागली रेस्ट हाउस पर भाजपा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उक्त यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। इसी दौरान युवा मोर्चा द्वारा भी अलग अलग क्षेत्र से बाइक रैली का आयोजन कर चापड़ा में एकत्रित किया जाएगा, जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही यात्रा के संबंध में जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज हमारे बागली विधानसभा के प्रभारी जन संयोजक श्री महेश दुबे जी के निर्देशन में बागली मंडल में मीटिंग रखी गई है, जिसमें संपूर्ण जैसे कि 22 तारीख को हमारे इस क्षेत्र में जन विकास यात्रा आएगी, तो कहां से कौन व्यवस्था देखेगा और चापड़ा हो के नेमार रोड की तरफ जाएगी और काटाफोड़ सतवास तक की जिम्मेदारी कौन रखेगा, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है और इसका विस्तार से आगे और भी हम लोग कहाँ कैसे लोगों के वो एकत्रित करना, माता बहनें लाडली बहना किसानों को हम लोग चापड़ा या चापड़ा से पहले कैसे एकत्रित करना, ये सब तय हुआ है। इसके साथ ही हम लोगों ने बाइक रैली का भी तय किया है। युवा संगठन के माध्यम से हमारी इस जन विकास यात्रा में बाइक रैली से भी हमारे युवा साथी चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।